अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख सकते हैं ये कुछ दिन पहले हमने रोड बनाया था, इसके हम फिर कोरे निकालते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल बता देता हूँ कोरे निकालने का। तो मेन पर्पज़ यही है ना कि हमने इसमें कंपेक्शन चेक करनी है। जो NHA स्पेसिफिकेशन है वो कहते हैं कि नॉट लेस देन 97%। तो ये लोग कुछ डायरेक्ट भी निकाल देते कोरे, तो इसमें थोड़ा टाइम दिया कर। वजह ये कि ट्रैफिक ऊपर चला जाए ना इसके, फिर कंपैक्ट होगा, अदरवाइज़ ये फेल होते, यही मसला है फिर। तो आप ये देख सकते हैं इसके लिए जो सही मौसम है, तो जितना टम्परेचर कम होगा फिर सही है, क्योंकि ये फिर टूट जाते हैं ये कोरे निकालते वक्त। अब हम इसमें पानी लगा रहे मशीन में, वजह यही है कि ये आपके सामने ये कटर काफ़ी महंगी होती है, तो दूसरा कोर भी नहीं टूटता पानी की वजह से। तो प्रोसेस ये है कि एक लेफ्ट साइड से, दूसरा सेंटर से, एक लेते हम राइट साइड से। तो इसमें ये होगा डायगनल, तो यही प्रोसेस है इसके निकालने का। तो कोर निकालने के बाद ये जो होल बनता है इसको बंद करने के लिए हम लोकल मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये अगर असफाल्ट है तो इनसे बंद कर दे, अगर वो नहीं होता बेशक तो आप सीमेंट से भी फिल कर सकते हो। तो इसमें यही तरीका होता है ना कि हर 300 फुट बाद एक कोर निकालना पड़ेगा। तो आप ये चेक कर सकते हो कोर निकल गया, तो इसके थोड़ा एहतियात के साथ निकालना पड़ेगा। ये बेस का इसलिए तो हमने बड़ा कटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, अगर वेयरिंग का हो तो फिर छोटा कटर हमने यूज़ करना है। तो इसको थोड़ा साफ करके, खोश करके, फिर इसके बाकायदे ऊपर हमने मार्किंग करनी है कोर, जैसे कि कोर नंबर 1। फिर आप इसको रजिस्टर पे लिख सकते हो।